दोस्तों अगर आप विराट कोहली के जबरे वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हरा पाएगा नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च यानी शुक्रवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। तो ही मुंबई के वानखेड़े में होने वाले इस पहले मैच में भारत की तरफ से शुभमन गिल और ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इस बात की जानकारी रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभालने वाले हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने दी है। गौरतलब है कि रोहित शर्मा व्यक्तिगत कारणों की वजह से कंगारू टीम के खिलाफ इस मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और उनकी जगह मैन इन ब्लू की कमान हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है। तो पहला मैच शुरू होने से पहले ही हार्दिक पांड्या ने कहा कि भारत की तरफ से गिल और किशन ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या ने बयान दिया कि पांड्या ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत की तरफ से शुभमन गिल और ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि अपने इस बयान में हार्दिक पांड्या ने आगे कहा कि वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की तरफ से नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने फाइनल खेलने के लिए कुछ भी नहीं किया है और वह अगर फाइनल खेलते हैं तो यह एक तरीके से उस खिलाड़ी के साथ बेईमानी होगी जिसने भारत को फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पांड्या ने कहा, नहीं, मैं नैतिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं हूं, मैं इसके लिए 10% भी मेहनत नहीं किया है और मैं 1% भी WTC के फाइनल में खेलने के लिए टीम के लिए तैयार नहीं हूं। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं तो मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपना स्थान अर्जित करूंगा। वैसे दोस्तों इस पर आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।